गुड मॉर्निंग पाखी जी, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सभी कैसे हैं? कैसा रहा लखनऊ? काफी टाइम बाद आई हैं। लखनऊ बहुत प्लेजरस जर्नी ऑलवेज रहती है, और लखनऊ मुझे बड़ा पसंद है, सो एंजॉय। कल प्रेम राय जी की 5 फिल्मों के अनाउंसमेंट हुआ है, आप भी वहां उपस्थित थी, कुछ कहना जी चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी मेरे लिए सरप्राइज ही था कि एक साथ 5 फिल्मों का, भोजपुरी फिल्मों का निर्माण करने जा रहे हैं प्रेम राय जी। और ये खुशी की बात है कि 2021 जिस तरीके से मतलब टेक ऑफ करेगा, वो लग रहा है कि अच्छा होगा, क्योंकि 2020 ने सब लोगों की हालत बहुत ख़राब कर दी है। सो वी आर रियली लुकिंग एट सम गुड प्रोड्यूसर्स, सम गुड इन्वेस्टर्स के हमारी इंडस्ट्री में आए और अच्छा काम शुरू हो। तो मुझे लगता है ये एक सबसे पहली अच्छी शुरुआत हुई है कि 5 फिल्मों का निर्माण होने जा रहा है और सभी अच्छे सेटअप्स हैं। लॉकडाउन बाद देख रहा हूँ कि आप भी काफी रुचि लेकर फिल्में के शूट कर रही हैं। अभी सुबह राजू की फिल्म आपने किया, शिवा का जी सूर्या, अभी एक और फिल्म शूटिंग कर रही थी। क्या कुछ सिनेमा को लेकर आपको अभी रुचि चल रहा है भोजपुरी में? मैं चाहती हूँ बहुत काम कम ही करूँ। कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हों जिन पे काम करने की मेरी रुचि है, ऐसे सब्जेक्ट्स और अच्छे डायरेक्टर्स, ये मेरी फर्स्ट चॉइस है। तो उसमें जो फिट फिल्में हैं उनको मैं करना चाहती हूँ, और कुछ ना कुछ एक सोशल मैसेज ज़रूर सोसाइटी में भी दे सकूँ, ऐसी फिल्में हों मनोरंजन के अलावा तो ज़्यादा मज़ा आए। 10 साल पीछे अगर हम देखेंगे तो फिर से पाखी उसी तरह के किरदार नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा है वीडियो सुब्बा जी की फिल्म में काफी बोल्ड नजर आ रही है। मुझे लगता है साउथ का ये फ्लेवर है, अच्छा, साउथ फिल्मों में ऑलवेज स्पाइस ज़्यादा ही होते हैं। सो सुब्बा राव सर पे मुझे कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है और अच्छी फिल्में दी हैं इंडस्ट्री को। सो उनके ऊपर मेरा ब्लाइंड फेथ है कि वो अच्छा ही काम करेंगे। निरहुआ जी के साथ एक फिल्म आपकी आई थी शिवा, उसमें भी जी एक आपका बहुत फोटो वायरल हुआ था बीच वाला, तो जी फिर से सुब्बा जी ने उस सिनेमा को लेकर लगा कुछ अलग बना दे। वो उस वक्त भी उतनी डरी हुई थी, इस बार भी उतनी डरी हुई थी कि कैसा लगेगा ऑन स्क्रीन। लेकिन दर्शकों ने उसको पसंद किया, और इस बार भी जो शूट हुआ है वो काफ़ी ठीक हुआ है। सो आई डोंट हैव एनी अभी रिग्रेट्स। मैंने देखा सुजीत पुरी की फिल्म में भी आप कॉलेज में कुछ करते नजर आ रहे थे, क्या स्टूडेंट है उसमें? इसमें जी हाँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और टीनू वर्मा जी मेरे पिताजी हैं, और उसमें बेसिकली एक मुस्लिम लड़की का किरदार कर रही हूँ। मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई, ये कहानी एक मुस्लिम और हिंदुत्व के ऊपर है, और लगता है ये जो समाज में जो घटनाएं कास्टिज्म को लेकर होती है, मुझे लगता है मैं इस टाइप के सब्जेक्ट्स पे ज़रूर काम करना चाहूँगी। भोजपुरी सिनेमा में काफी कल हलचल था रवि किशन को लेकर के, आपने भी काफी तारीफ किया। रवि जी को हम कुछ कहना चाहते हैं? रवि जी के क्या कहने, रवि जी अपने आप में ही एक कंप्लीट बुक है, और मैं यही कहूँगी कि उन्होंने जिस तरीके से अपने लाइफ को क्राफ्ट किया है, इट्स अ लेसन फॉर एवरीवन कि वो सीखे उनसे। जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर से लेके पॉलिटिक्स तक और स्ट्रगलिंग डेज से उनका जो जीवन, उनकी जो जीवन जर्नी है, वो मैं यही कहूँगी कि एक डिफरेंट टाइप का लाइफस्टाइल उन्होंने अदा किया है, और उस तरीके का लाइफस्टाइल बहुत कम लोग उस लेवल पर ले जा पाते हैं। तो ये सबके लिए उदाहरण है कि वो उनका अनुसरण करें। निरहुआ रिक्शा वाला से लेकर अभी तक काफी फिल्म आपने किया, जितने आपके को स्टार थे, मनोज तिवारी जी जी, रवि किशन जी, पवन जी, और भी कई लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, पाखी जी हेगड़े कब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं? पॉलिटिक्स अभी तक उतना जोरों शोरों से उस पर कुछ विचार मैं हुआ नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ लिटिल टैकी फील्ड, तो इसको ज्वाइन करने के पहले आपका अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आप एंटर कर रहे हो वो क्या है, उसको सही से जाने। तो मैं अपना टाइम लेके ही इसे ज्वाइन करूँगी, अगर ज्वाइन करूँगी तो भी। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स पॉलिटिकल नहीं होके अगर वो लोगों के लिए हो तो ज़्यादा उसमें मुझे रुचि होगी। तो आई विल थिंक अबाउट दिस।
देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है जी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं बहुत उनसे प्रेरित हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे लोगों को उनका पॉइंट ऑफ व्यू शायद समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेशन को एक लेवल पे लाके जो एक स्ट्रेंथ दी है इंटरनेशनली, नेशनली कहीं जगहों पे लोगों को ज़रूर उसमें वीकनेस नज़र आती है, लेकिन इंटरनेशनली आज हम लोग एक सुपर पावर के लेवल पे देखे भी जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के लेवल पे देखे भी जाते हैं। तो जब आप एक नेशनल लेवल पे अपने आप को स्थापित सही से कर पाते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। जब आप खुद ही वीक है तो आप बाहर कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो दैट इज़ अ वेरी बिग साइन के इंडिया विल बी सून अ सुपर पावर, और उसका श्रेय ऑफ कोर्स उनको ही जाता है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारी कहानी का डायरेक्टर अच्छा नहीं होता तो स्टोरी ख़त्म है। जैसे काफ़ी टाइम पर कांग्रेस ने राज किया हिंदुस्तान पे, बोला जाता है, अभी नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं, दोनों में क्या कुछ आपको अंतर आ जाएगा? अगर हम विदेश में, अगर हम कहीं जाते हैं तो पहले कितनी इज्जत मिलती और आज क्या मिलती है? नो डाउट, आज हम जब भी बाहर जाते हैं तो हम लोगों को रिकग्निशन है, ये समझ में आता है, ये दिखाई देता है, ये फील होता है, जो कि मुझे लगता है जिसका पहले थोड़ा अभाव था। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में हिंदुस्तान को उतना ऊंचाई नहीं मिली थी विदेशों में? बिल्कुल, आई एग्री टू दैट। अभी योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, आप लखनऊ में हैं इस वक्त, कैसा लगा इनका उत्तर प्रदेश, अगर आप घूमी होंगी तो? मुझे योगी जी के सरकार में जितनी मतलब नॉलेज मिली है, डेवलपमेंट जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा जितना यहाँ पर क्राइम था वो क्राइम बहुत कम हो गया है। और मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ स्पेशली गर्ल्स और उनके उनके राइट्स को लेके, तो मैं नो डाउट उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उसके लिए भी उनके तरफ से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोगों को है। आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में मानी जाती है। हम बिहार चलते हैं और लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं, और लालू जी ने बोला था कि ये बिहार की सड़कें जो है हेमा मालिनी गाल के तरह चिकन हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त तो नहीं हो पाई, लेकिन अभी नीतीश की सरकार चल रही है, बिल्कुल केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मुझे लगता है उसकी नींव तो वहीं डाली गई थी ना, लेकिन नींव तो वहीं डाली थी, अब हुई है हेमा मालिनी के गाल की तरह बेचारे। तो कमेंट्स, लालू जी का जो भाषण होता था उस पे अभी की अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ आपको याद है, कुछ कहना चाहेंगे बिहार सरकार पर चर्चा करें तो? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.